माई चैनल और आप सब कैसे हैं। ये मैंने बनाया है पावदान, वो भी बची हुई कतरन से, जो मेरे घर में बेकार कतरन पड़ी हुई थी तो उन्हीं कतरन से मैंने बनाया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सी कतरन बची हुई थी तो मैंने सोचा इसको फेंक देंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं, उसका कुछ यूज़ कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा पावदान बन के तैयार हो गया, कोई ना कोई काम आ गया ये, और दो पावदान फ्री में बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सारे कतरन मैंने इकट्ठा कर लिया है एक जगह, और ये सर्कल मैंने कट कर लिया है, इसी के नाप का बनाना है। और ये दो टुकड़े बड़े बड़े हैं तो इसी को, ये पूरा नहीं आ पाएगा तो इसको थोड़ा जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद इसी के नाप से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें एक और कपड़ा इसके बैक साइड में जोड़ कर सिलाई लगा लेंगे, इससे इसे मजबूती अच्छी आ जाएगी। इसमें से मैंने प्लेन कपड़ा अलग कर दिया है, प्रिंट कपड़ा अलग कर दिया है, क्योंकि मैं दो पावदान बनाऊंगी तो अभी तो प्लेन कपड़ा इकट्ठा कर लिया है। इसका इसको पहले स्क्वायर में कट कर लेना है। 4x4 इंच का स्क्वायर कट करूंगी। ये देखिए इस तरह जितने भी कलर का है सबका स्क्वायर कट करके अलग रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब चलते हैं इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इसके लिए एक पीस लेकर सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें किनारे पकड़कर चुन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप ऐसे चुन देते हुए हाथ से पकड़कर इसमें डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, और चाहे तो आप, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पहले मशीन में इस तरह चुन देते हुए किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो इसको फ्लावर से की पंखुड़ियाँ छोटे छोटे फूल बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरह बराबर बिठाते हुए मैं चली जा रही हूँ सिलाई लगाते हुए, और ज़रा सा भी गैप नहीं करना है इसमें। और इसके बाद फर्स्ट राउंड तो पूरा हो गया है, अब सेकंड में तो मेहरून कलर का लगाऊंगी तो देखने में और अच्छा लगेगा। इसमें इस तरह बराबर जो है सिलाई लगाते हुए इस तरह फ्लावर बना के और रख लूँगी अलग करके, और उसके बाद सिलाई लगाते चले जाएँगे तो इसमें आसानी भी ज़्यादा रहती है। ये देखिए मेरा पावदान बनके कंप्लीट हो चुका है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब बीच का हिस्सा बचा हुआ है तो इसमें जो है छोटा सा सर्कल कट कर लेंगे। कट करने के बाद सुई धागे से इसमें सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। ये देखिए मेरा पावदान बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलते हैं दूसरा पावदान बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा, इसको कट नहीं किया है, पहले से ही इतना ही बड़ा पीस है ये। तो ये 34 सेंटीमीटर लंबा है और 17 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसमें सबसे पहले इसके में लाइनिंग लगा लेंगे पीछे बैक साइड में, तो उसको मैंने लगा लिया है, कम्प्लीट कर लिया है। कम्प्लीट करने के बाद
आप मेरे पास जितने भी प्रिंट कपड़े हैं, लाइनिंग वाले, बूटी वाले, जितने भी जैसे भी हैं, मैंने सारे कपड़ों को वही 4x4 इंच के टुकड़े सब कट कर लिए हैं, सेम साइज के। कट करने के बाद इसको ट्रायंगल शेप में इसी तरह बना लेंगे। बनाने के बाद इसको डायरेक्ट लगाते चले जाना है, इस पर कोई दिक्कत भी नहीं है, बस इसी तरह सिलाई करते चले जाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मेरा बनकर तैयार हो गया है और इसमें एक भी रुपए नहीं लगे हैं, बेकार फेंकने से अच्छा है, कुछ ना कुछ इसका यूज़ हो गया है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरा पैसा भी कुछ नहीं लगा और एक चीज़ भी बनकर तैयार हो गई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।